हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपकी जो बाइक है, बाइक कितना मैक्सिमम माइलेज दे सकती है और वो एट प्रेजेंट कितना माइलेज निकालती है। किसी भी बाइक में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, बेसिकली वो इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी से उस बाइक का जो फ्यूल मिक्सर है वो किस तरीके से सेट होकर आया है। कुछ गाड़ियाँ माइलेज ओरिएंटेड परफॉर्मेंस देती हैं और कुछ गाड़ियाँ पिकअप ओरिएंटेड होती हैं। तो बेसिकली आज हम हैं होंडा शाइन के साथ में, और होंडा जैसा कि नाम से ही है, ये जो गाड़ी होती है बेसिकली ये माइलेज परफॉर्मेंस के लिए तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कभी नहीं हुई, और 125 सीसी का जो माइलेज है वो गिरी से गिरी हालत में 55 से 60 के बीच में होना चाहिए। तो फिलहाल हमें अभी ये देखना है कि जो गाड़ी का स्पार्क प्लग है, अगर फ्यूल कंजम्पशन सबसे इकोनॉमिक कंडीशन में होता है तो स्पार्क प्लग का जो कलर है, स्पार्क प्लग के नीचे एक पॉइंट होता है, वो ब्राउन कलर का होना चाहिए। और ड्राई चलती है गाड़ी, मतलब जैसे उसकी जो कैपेसिटी है, अगर उससे कैपेसिटी से कम फ्यूल मिलता है तो वो जो कलर होता है वो वाइट, नियर वाइट होता है। और अगर फ्यूल बहुत ज़्यादा मिल रहा है, गाड़ी का माइलेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस कंडीशन में उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो आइए सबसे पहले इसका प्लग चेक करें और ये देखें कि इस गाड़ी का माइलेज कितना है। तो हमारे पास में ये बेसिक टूल किट है जो हर गाड़ी के साथ में अवेलेबल हो सकती है। माइलेज को सेट करना और प्लग को खोल के देखना, ये एक बहुत ही बेसिक काम है जो कोई भी अपनी गाड़ियों में अवेलेबल टूल्स की सहायता से कर सकता है। हाँ बोलो कुछ। तो ये इसका प्लग, स्पार्क प्लग है, और हम इसको अभी खोल के देखेंगे कि इसकी कंडीशन क्या है। तो ये देखिए, जैसा कि हमने कहा था, इसका जो ये जो एक सेक्शन है, हम इसके कलर की बात कर रहे थे, अब इसके हिसाब से तो इनकी गाड़ी का माइलेज जो बेस्ट हो सकता है वो है, तो हमें इसमें कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी पिछले शॉट में आपको बताया कि इस गाड़ी का जो माइलेज सेटिंग है वो अपने ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे है। जैसा कि हमने देखा कि जो प्लग था उसमें जो पॉइंट था उसका, वो ग्रे टू वाइट टू ग्रेइश कलर का था। इसका मतलब ये है कि ये अपने जो बेस्ट इसका जो माइलेज हो सकता है वो अभी दे रही है, तो इसलिए हम इसकी एग्जिस्टिंग सेटिंग को, सेटिंग में कोई चेंज नहीं करें। अगर आपके पास में कोई होंडा शाइन है और वो माइलेज कम दे रही है तो आपको ये बैटरी पैक निकालना होगा, और यहाँ पर एक मिक्सर होता है, उस मिक्सर से आप अपने माइलेज की सेटिंग कर सकते हैं। एनीवेज, इस गाड़ी में कुछ एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है कि कई बार इसके हॉर्न इंडिकेटर लाइट या ब्रेक लाइट वगैरह बनना चलना बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पर एक ये फ्यूज़ होता है, इसमें यहाँ पर एक स्पेयर में फ्यूज़ लगा होता है और एक ये वर्किंग होता है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये फ्यूज़ कहीं उड़ तो नहीं गया है। जैसे कि इस वाली में तो ये फ्यूज़ नहीं उड़ा है, लेकिन जो स्पेयर में रखा हुआ जो फ्यूज़ है वो उड़ चुका है। मतलब इस गाड़ी में कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जब इसके हॉर्न इंडिकेटर ने काम करना बंद कर दिया होगा। तो इस तरीके से आप अपने हॉर्न और फ्यूज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, और जो यहाँ पर जो स्पेयर वाला जो फ्यूज़ है उसको आप ऑपरेटिंग मोड पर ला सकते हैं और अपनी गाड़ी को फिर से चलता कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो में ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा माइलेज से रिलेटेड। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।